ओके, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ध्यान दें यहाँ पर जो भी बैठे हैं, हमने स्टार्ट किया था लास्ट टॉपिक, कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? कंजंक्शन। क्या स्टार्ट किया था? कंजंक्शन स्टार्ट किया था। और कंजंक्शन में हमने ये पढ़ना स्टार्ट किया था कि कंजंक्शन क्या होता है, संयोजक यानी ज्वाइनिंग वर्ड्स। क्या होते हैं हमारे? ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। क्लियर है? क्या ना इसकी डेफिनेशन क्या बनी, सिंपल सी डेफिनेशन इसकी, ज्वाइनिंग वर्ड्स। क्या होते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या काम करते हैं, हमारे सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया हमने? कंजंक्शन। क्या टॉपिक स्टार्ट किया? कंजंक्शन। और कंजंक्शन जो होता है, अगर आप चाहें तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी बोल सकते हैं। क्या डेफिनेशन होती है इसकी सिंपल सी? ज्वाइनिंग वर्ड्स। क्या होते हैं आपके? ज्वाइनिंग वर्ड। और या फिर आप इसे कह सकते हैं इट जॉइंस टू वर्ड्स एंड टू सेंटेंसेस। ये क्या काम करता है? ये दो शब्दों को और दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शन? थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शन? थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट हमारा क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सेकंड क्या होता है हमारा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एंड थर्ड हमारा क्या होता है? कोरिलेटिव कंजंक्शन। कौन सा होता है? कोरिलेटिव कंजंक्शन। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टॉपिक, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो ये कौन से होते हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? फाइन बॉयज। कौन सा होता है? फाइन बॉयज। और फाइन बॉयज का मतलब क्या हो गया, यहाँ ध्यान दें, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हमने डिवाइड किया था फाइन बॉयज में। किसमें डिवाइड किया था हमने इसको? फाइन बॉयज। क्या होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? फाइन बॉयज। एफ मीन्स क्या होता है बताए? क्या होता है? फोर। एम मीन्स क्या होता है आपका? एंड। एन मीन्स क्या होता है? बोलते हैं। क्या होता है? नॉट। बी मीन्स क्या होता है हमारा? बट। ओ मीन्स क्या होता है? और। वाई मीन्स क्या होता है? यट। एस मीन्स क्या होता है? सो। फोर को हम हिंदी में क्या हैं? किसके यूज करते हैं? के लिए। कब यूज करते हैं? जब हमारा क्या यूज हो? के लिए। जब हम एंड का यूज करते हैं इसका हिंदी में क्या आता है आपका? और। क्या आता है? और। नोर का मतलब क्या होता है? ना ही, या फिर क्या होता है? ना तो। और बट मीन्स क्या होता है? लेकिन। क्या होता है? लेकिन। या फिर कई बार हम बोलते हैं लेकिन, किंतु, परंतु, तब हम यूज करते हैं किसका? बट का। और मीन्स क्या होता है आपका? या। वाई मीन्स क्या होता है? यट मीन्स क्या होता है आपका? फिर भी। एंड आपका सो मतलब क्या होता है? इसलिए। क्या यूज करते हैं हम जब हमारे समझ में क्या है? इसलिए। तो ध्यान दें, ये होते हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन कौन से होते हैं आपके? फोर। बोलते हैं मेरे साथ, बोले फोर। एंड। नॉट। बट। और। यट। एंड सो। फोर मीन्स क्या होता है हिंदी में? बोलते हैं क्या होता है? फोर मीन्स के लिए। एंड मीन्स और। नॉट मीन्स ना ही। बट मीन्स लेकिन। और मीन्स या। यट मीन्स फिर भी। सो मतलब इसलिए। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। कौन सा था? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसी के बाद हमने सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया आपका। कौन सा टॉपिक था आपका? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या होते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपके? सो देट, वट एवर, वेन एवर, हाउ एवर, जो हम वर्ड यूज करते हैं। और याद रहे ये सेंटेंस के कहां पर यूज होते हैं? मिडिल में। कहां यूज होते हैं? मिडिल में। तभी तो हमें ये क्या बोलते हैं? कंजंक्शन, या फिर संयोजक, या फिर हमें क्या कहते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड, या फिर जो दो शब्दों को और दो वाक्यों को क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। क्लियर है? अब जिसने भी पढ़ा है एक बार इसको अच्छे से रीड करें ताकि आपको समझ आए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से। रीड इट वेरी केयरफुली। क्लियर है? आपने ये चीजें लास्ट क्लास में पढ़ ली थी और दोबारा आपका रिवीजन हो गया है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपके कौन से होते हैं? फाइन बॉयज होते हैं। फोर एंड, नॉट बट, और, यट एंड सो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट
सबऑर्डिनेटिंग, और सबऑर्डिनेटिंग में हमने कौन कौन से यूज किए थे? सबऑर्डिनेटिंग में हमने यूज किए थे व्हाटएवर, व्हेनेवर, हाउएवर, है ना, एल्दो, और ये हमारे शब्द किस में आते हैं? सबऑर्डिनेटिंग में। और आज हमारा टॉपिक है नंबर थर्ड, कौन सा है हमारा टॉपिक बताएं? को रिलेटिव कंजंक्शन। कौन सा होता है? को रिलेटिव कंजंक्शन। बताएं को रिलेटिव कंजंक्शन कौन सा होता है? जो पेयर में होता है। किसमें होता है? पेयर में। पेयर कैसे? जैसे आप बोलते हैं इधर और, या फिर क्या बोलते हैं? नीदर नोर, या बोलते हैं आप नॉट ओनली बट ऑल्सो, या बोलते हैं नो सुनर देन, वो होते हैं हमारे को रिलेटिव कंजंक्शन। कौन से होते हैं हमारे? को रिलेटिव कंजंक्शन। और याद रखें ये जो को रिलेटिव कंजंक्शन होते हैं वो किसमें होते हैं? पेयर में होते हैं। पेयर का मतलब क्या हो गया आपका? युग्म। किसमें होते हैं? एक तरह से जोड़ा बना होता है इनका, पेयर में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर ध्यान दें हम तो कौन कौन से होते हैं, पहले यहाँ पर समझ ले आप, देन आई विल गिव यू टाइम। इधर का क्या होता है? इधर के साथ क्या आता है आपका? और। क्या आता है इधर के साथ? और। यही बात करते हैं नीदर, किसकी बात करते हैं? नीदर। नीदर के साथ क्या यूज करते हैं हम? नो। इधर का मतलब क्या होता है? या तो या फिर। क्या मतलब होता है इधर और का? या तो या फिर। नीदर का मतलब क्या होता है? ना तो ना ही। और जैसे हम यूज करते हैं नो सुनर, क्या यूज करते हैं? बोलते रहे, क्या यूज करते हैं? नो सुनर। इसके साथ हमेशा क्या यूज करते हैं? देन। क्या यूज करेंगे हम? देन। नो सुनर का मतलब क्या होता है? जैसे ही वैसे ही। क्या बोला मैंने? जैसे ही वैसे ही। अभी थोड़ी देर बाद हम इनके एग्जाम्पल भी समझेंगे, है ना। अभी केवल आप इतना फोकस करें कि इधर और हमारा क्या है? हमारा को रिलेटिव कंजंक्शन। क्या है हमारा? को रिलेटिव कंजंक्शन। कोई पूछे आपको नीदर नोर क्या है हमारा? नीदर नोर हमारा क्या है? को रिलेटिव कंजंक्शन। और नो सुनर और देन अभी हमारा क्या है? क्या है हमारा? को रिलेटिव कंजंक्शन। ये अगर आप आगे बात करते हैं तो बोथ के साथ क्या आता है? हमेशा एंड। क्या आता है? याद रखें, बोथ के साथ जब भी यूज करोगे किसका यूज करोगे? एंड का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? एंड। और एग्जाम्पल देखें, जैसा आप यूज करते हैं नॉट ओनली, क्या यूज करते हैं? नॉट ओनली। नॉट ओनली के साथ चलता है बट ऑल्सो, क्या यूज करते हैं? बट ऑल्सो। तो कभी भी अगर आपको सेंटेंस में नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लिखा हुआ मिले, या बोथ के साथ एंड लिखा हुआ मिले, नो सुनर के साथ क्या लिखा मिलेगा? देन। इधर के साथ क्या लिखा हुआ मिलेगा? नो। इधर के साथ क्या लिखा हुआ मिलेगा? और। तो ये हमारे क्या होते हैं? को रिलेटिव कंजंक्शन। क्या होते हैं? को रिलेटिव कंजंक्शन। जैसे और देख लें आप, एक यूज करते हैं एल्दो, क्या यूज करते हैं? एल्दो। एल्दो के साथ क्या आता है? यट। जैसे अभी हमने यूज किया था, अब यहां ध्यान दें, इस यट को अगर आप इकलौता यूज करोगे, केवल सिंगल यूज करोगे, तब वो हमारा क्या बन जाएगा? है ना, क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एल्दो को अकेला अगर सिर्फ यूज करोगे क्या बन जाएगा? सबऑर्डिनेटिंग। लेकिन जब भी इसको एल्दो के साथ यट यूज करेंगे, यानी हालांकि फिर भी, तब हमारा ये क्या बन जाएगा? तब हमारा ये बन जाएगा कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्या बन जाएगा? कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्लियर है? अब इसे लिखे फास्ट, देन वी विल टॉक अबाउट एग्जाम्पल। कंजंक्शन को हिंदी में कहते हैं संयोजक। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? संयोजक। काम क्या करता है? जॉइनिंग वर्ड्स, इट जॉइन्स टू वर्ड्स एंड टू सेंटेंसेस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शन? थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। क्या इज द नेम ऑफ कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिंग। ये इधर के नीचे लिखे, इधर और मतलब या तो या फिर। हिंदी अगर लिखना चाहें तो लिख लें, इधर का मतलब होता है या तो, और के साथ लिखे या तो, इधर के साथ लिखे ना तो ना ही, लिखोगे ना तो ना ही। नो सुनर के नीचे लिखे जैसे ही वैसे ही, क्या लिखोगे नो सुनर के साथ? जैसे ही वैसे ही। जैसे ही वैसे ही। बोध का मतलब होता है दो, जब भी होते हैं दो व्यक्ति तब यूज करते हैं किसका? बोध का। फिर आपने लिखा नॉट ओनली, नॉट ओनली का मतलब होता है ना सिर्फ, बट ऑल्सो का मतलब होता है लेकिन भी। ना सिर्फ, नॉट ओनली में इसे लिखेंगे ना सिर्फ, एंड बट ऑल्सो में इसे लिखेंगे लेकिन भी। नॉट ओनली के साथ लिखे ना सिर्फ, एंड बट ऑल्सो को नीचे लिखे लेकिन भी।
एल्दो के लिए लिखे हालांकि या फिर जल्दी, जो आप बोलते हैं हालांकि, एंड गेट के लिए लिखे फिर भी, हालांकि फिर भी, हालांकि फिर भी। यह है तभी भी, अगर आपको एग्जाम्पल्स लिखे हुए मिले, अब वो एग्जाम्पल कैसे लिखे हुए मिलेंगे, वी विल टॉक अबाउट दिस। तो यहां पर ध्यान दें, ये हमारे होते हैं को रिलेटिव कंजंक्शन। क्या होते हैं हमारे को रिलेटिव कंजंक्शन, यूज कैसे करेंगे इनका, अब ध्यान दें यहां पर, वी विल टॉक अबाउट यूजेस, इनका यूजेस हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, ईदर और, किसकी बात कर लेते हैं, ईदर एंड और। तो फर्स्ट है हमारा ईदर एंड और, कैसे आप यूज करेंगे। ईदर का मतलब क्या होता है हिंदी में, या तो या फिर। एग्जाम्पल देखें, ही इज ईदर इंटेलिजेंट और क्लेवर। एग्जाम्पल पर ध्यान दें, क्या लिखा आपके सामने, ही इज ईदर इंटेलिजेंट और क्लेवर, वह या तो होशियार है या फिर चालाक है। हिंदी क्या निकलेगी यहां पर ध्यान दें, क्या बोलोगे इसे, ही इज ईदर इंटेलिजेंट और क्लेवर। देखो आपको कई बार क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल्स लेके बोलना पड़ेगा, कैसे, जैसे आपको कहना पड़े कि वह होशियार है, क्या बोलोगे, ही इज इंटेलिजेंट या और ही इज क्लेवर। तो आपने बीच में और लगाने की वजह से सेंटेंस कितने बनाने पड़े, आपको दो सेंटेंस बनाने पड़े कि ही इज इंटेलिजेंट और ही इज क्लेवर। तो इसी को मैंने शॉर्ट में बोल दिया, क्या बोल दिया, ही इज ईदर इंटेलिजेंट और क्लेवर, यानी वह या तो क्या है होशियार है या फिर क्या है, चालाक है। तो इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, होशियार है, क्लेवर का मीन्स क्या होता है, चालाक। और एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल जैसे और देखें, ही इज ईदर हिज फ्रेंड और एनिमी। क्या एग्जाम्पल ध्यान दें, ही इज ईदर हिज फ्रेंड और एनिमी, वह या तो उसका क्या है, मित्र है, वह या तो उसका मित्र है या फिर क्या है, दुश्मन। क्या एग्जाम्पल आपके सामने, वह या तो उसका क्या है, मित्र है या फिर क्या है, दुश्मन है। तो एग्जाम्पल क्या बोला आपने, ही इज ईदर हिज फ्रेंड और एनिमी। क्या बोला आपका एग्जाम्पल, ही इज ईदर हिज फ्रेंड और एनिमी। कभी भी आपको स्पोकन में इसे बोलने की जरूरत हो कि वह या तो उसका फ्रेंड है या फिर एनिमी है, यानी दुश्मन है, तो क्या बोलोगे, ही इज ईदर हिज फ्रेंड और एनिमी। अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल, देखें यहां पर एग्जाम्पल जितने होंगे उतने ही आपको ज्यादा क्लियर होगा। नंबर थर्ड, देखिए क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल, बोले बट सी इज ईदर हिज मदर, यानी वह या तो क्या उसकी माता है या फिर कोई रिश्तेदार है। तो रिश्तेदार के लिए क्या बोला, रिलेटिव, जो वह है यानी सी, वह कौन है, वह या तो क्या है उसकी माँ है या फिर क्या है, कोई रिश्तेदार है। तो क्या बना एग्जाम्पल आपका, सी इज ईदर हिज मदर और रिलेटिव। राइट डाउन फर्स्ट, लिखे इस एग्जाम्पल, लिखे यहां तक लिखे, उसको हिंदी में लिख लिया, साथ में लिख लें। और ये जो आपने यूज किया है, क्या यूज किया है, ये इज ईदर इंटेलिजेंट और क्लेवर, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, वह या तो होशियार है या फिर क्लेवर। नंबर सेकंड, ही इज ईदर हिज फ्रेंड और एनिमी, वह या तो उसका मित्र है या फिर एनिमी। सी इज ईदर हिज मदर और रिलेटिव, वह या तो उसकी माँ है या फिर रिश्तेदार।
अगर आपका रिटर्न है तो यहाँ ध्यान दें, आप दोबारा पार्ट टू स्पीच को एक बार रिविजन कर लेते हैं। मैंने पहले भी बोला था कि आप जब तक सेंटेंस को लिखोगे और जब तक आप पार्ट टू स्पीच के सेंटेंसेस को आप रिपीट नहीं करोगे तब थोड़ी क्लियरिटी कम आएगी। आप यहाँ ध्यान दें ही यहाँ पर क्या आपका बताए बोलते रहे, ही कौन सा पार्ट टू स्पीच है, ही यहाँ पर क्या है प्रोनाउन है, क्या क्या आपका प्रोनाउन, इस बताए इस यहाँ पर क्या है वर्ब, इधर बताए इधर जस्ट आपने पढ़ा है, इधर हमारा यहाँ पर क्या है कंजंक्शन। इंटेलिजेंट क्या है बताए, इंटेलिजेंट को पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस नाम से जानते हैं, क्या हमारा एडजेक्टिव, क्या है हमारा एडजेक्टिव। ये अगर हम बात करें और हमारा क्या है कंजंक्शन, क्या है हमारा कंजंक्शन। क्लेवर यहाँ पर क्या है एडजेक्टिव। देखिए अगर आप जैसे जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते जाओगे वैसे वैसे सेंटेंस में हर एक वर्ड को क्या कर पाओगे डिफाइन कर पाओगे, क्या कर पाओगे डिफाइन। वो डिफाइन करना जरूरी है क्योंकि अगर आपको डिफाइन करना नहीं आया तो आप क्या नहीं कर पाओगे, किसी को समझा नहीं पाओगे, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक देम अंडरस्टैंड। अगर किसी को समझाना है उनको समझाना, तो फिर उसके समझाने के लिए पहले हमें को क्या क्लियर होना चाहिए, हमें शब्दों का क्या होना चाहिए, वर्ड्स का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। और हाउ डू वी गेट नॉलेज फ्रॉम वर्ड्स इफ यू रीड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हम किसको पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार रिपीट कर ले, क्या क्या हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। और अभी हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है कंजंक्शन, और कंजंक्शन में इस कंजंक्शन के कौन सा टाइप चल रहा है नंबर थर्ड, कौन सा है को रिलेटिव कंजंक्शन। अब बताएं ही यहाँ पर क्या है, जल्दी बोलते रहे, ही यहाँ पर क्या है प्रोनाउन, इज यहाँ पर क्या है वर्ब, इधर क्या है कंजंक्शन, हिज यहाँ पर क्या है बताए, हिज यहाँ पर आपका प्रोनाउन है। पढ़ा था आपने पजेसिव एडजेक्टिव का टाइप था कौन सा था प्रोनाउन, हम पढ़ते हैं माई अवर योर देयर हिज हर, ये हमारे क्या बन जाते हैं, ये हमारे प्रोनाउन बन जाते हैं और इनके साथ हम क्या यूज करते हैं नाउन। वो देखेंगे फ्रेंड यहाँ पर मैंने यूज किया है, फ्रेंड यहाँ पर क्या है आपका नाउन, और यहाँ पर क्या है कंजंक्शन, एनिमी बताए, एनिमी यहाँ पर क्या है नाउन है, क्या है आपका एनिमी नाउन। अब बताए सी यहाँ पर क्या है बोलते रहे, क्या है आपका प्रोनाउन, इज यहाँ पर क्या है वर्ब, इधर यहाँ पर क्या है कंजंक्शन, क्या आपका कंजंक्शन, इज यहाँ पर क्या बताए वापस, इज यहाँ पर प्रोनाउन है, कौन सा पार्ट है पजेसिव एडजेक्टिव, मदर यहाँ पर क्या है नाउन है, क्या है नाउन, और बताए और सब यहाँ पर क्या है कंजंक्शन, और रिलेटिव भी यहाँ पर क्या है आपका नाउन बताए। आपने अगर पार्ट टू स्पीच को अच्छे से अगर पढ़ा है तो आप किसी को भी समझा सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं। हिंदी मीनिंग तो सबको पता है लेकिन आपको वर्ड्स के बारे में नॉलेज लेना है, इसीलिए हमने पार्ट टू स्पीच को स्टार्ट किया है ना। अभी तक हमने स्पोकन के लेवल को स्टार्ट नहीं किया, जस्ट वी आर लर्निंग हाउ टू आइडेंटिफाई वर्ड्स इन सेंटेंस, हम सेंटेंस में कैसे शब्दों को पहचाने हम पहले ये सीख रहे हैं। तो एक बार दोबारा ध्यान से देख लें, या फिर आपने अगर नहीं लिखा है नीचे तो मेंशन कर लें, कहाँ आपने नाउन लिखा है, कहाँ आपने प्रोनाउन लिखा है, एक बार नीचे मेंशन जरूर कर लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। और आप जो खड़े हैं बैठ जाए नीचे और रोके पढ़ो। ये हमने यूज करना सीखा इधर एंड और का, तो कभी भी इधर एंड और आपको सेंटेंस में लिखा हुआ मिले तो वो हमारा क्या बन जाता है कंजंक्शन, क्या बन जाता है कंजंक्शन। ओके अगर आपका कंप्लीट है देन वी विल टॉक अबाउट नीदर नोर, इसी का अपोजिट होता है नीदर नोर, क्या होता है इसी का अपोजिट, मतलब इसी का जिससे मुझे अगर कहना पड़े कि वह ना तो होशियार है ना ही चालाक है, क्या कहना पड़े मुझे इसी सेंटेंस को ध्यान से समझे, अगर मुझे कहना हो कि वह ना तो होशियार है ना ही चालाक है तो क्या बनेगी इंग्लिश बताएं, क्या बनेगी इसकी, ही इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर क्लेवर, क्लियर है। तो लिखे अभी सेंटेंस को मैं बोल रहा हूँ रिपीट, और आप इसे लिखने की कोशिश करें कि वह ना तो होशियार है ना ही क्या है आपका चालाक, तो आप लिखोगे ही इज नीदर, क्या बोलोगे यहां पर ही इज नीदर। देखें अब जो आपका एक्सेंट है वो आप दो तरीके से ले सकते हैं, इस जो इधर लिखा हुआ है इस इधर को आप इधर भी कह सकते हैं और आइदर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं है ना, इधर हम कहते हैं अमेरिकन एक्सेंट में और आइदर हम कहते हैं ब्रिटिश एक्सेंट में,
क्या याद रखोगे? कोई अगर पूछ ले, अगर कोई कह दे कि ये जो शब्द लिखा है आपने सुना होगा, इस शब्द को कहीं के मुंह से आपने सुना, इसे इधर क्या सुना, इसे आपने इधर, और कहीं के मुंह से आपने इसे बोलते हुए सुना होगा आइधर, क्या सुना है इसको आपने, क्या सुना है आइधर। तो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है? तो जब आपका एक्सेंट किसमें हो, अमेरिकन हो, किसमें हो, अमेरिकन, अगर आपका एक्सेंट है तो वहां पर आप क्या बोलोगे, इसे इधर, क्या बोलोगे इधर। और जब आपका ब्रिटिशियन एक्सेंट है, ब्रिटिश का एक्सेंट है, ब्रिटिश जो पीपल बोलते हैं अगर उनकी तरह एक्सेंट है तो वहां पर आप क्या बोलोगे, आप यहां पर आप क्या बोलोगे आइधर, क्या बोलोगे आइधर। तो याद रखें इधर कब बोलेंगे, जब हमारा एक्सेंट किस तरीके से हो, अमेरिकन, तो बोथ आर करेक्ट, आप इधर भी कह सकते हैं और आइधर भी कह सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, यू हैव टू रिमेम्बर। तो इधर अब देखें, इसी प्रकार आप नीदर, इसको हम नीदर भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं नाइदर। नीदर किसमें होगा आपका, अमेरिकन, एंड नाइदर किसमें होगा आपका, ब्रिटिश। तो इसकी हिंदी में नहीं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखोगे कि इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर क्लेवर, वह ना तो होशियार है ना ही क्या है, चालाक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, नंबर सेकंड की, कि वह ना तो उसका क्या है मित्र है और ना ही क्या है दुश्मन। तो क्या लिखोगे इसे, बताएं क्या बनेगी इंग्लिश, ही इज नीदर, बोलते रहे लाउडली बोले, क्या बनेगा, ही इज नीदर हिज फ्रेंड नॉर एनिमी, क्या बनेगा, ही इज नीदर हिज फ्रेंड नॉर एनिमी। अब देखिए इसी प्रकार आप इस एग्जाम्पल का यूज करोगे, वह ना तो उसकी माँ है ना ही रिश्तेदार या रिलेटिव, तो क्या बनेगा बताएं, यहां पर एग्जाम्पल क्या लिखोगे, ही इज या सी इज, क्या लिखोगे, सी इज नीदर हिज मदर नॉर रिलेटिव, ना तो उसकी माँ है ना ही रिश्तेदार, राइट डाउन फास्ट। बाकी सारी प्रोसेस सेम है, हमें केवल ये डिफरेंस ये चीज एक ही इसके अंदर, कि अगर हमें इधर और यूज करना हो उसका हिंदी मीनिंग लेगा या तो या फिर, और नीदर और लिखना हो उसकी हिंदी मीनिंग आपको लिख लेगी ना तो ना है। इधर एंड इधर के बाद में क्या लिखना था बताएं, नो सुंदर एंड टेन, ठीक है। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, वही है सेम है, मैंने कहा इधर और की जगह पर क्या मार्क किया है, नीदर नॉर, और हिंदी इसकी चेंज हो चुकी है, नीदर नॉर का मतलब क्या होता है, ना तो ना ही, इधर और का मतलब क्या होता है, या तो या फिर। नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट, क्या यूज करेंगे अब हम यूज करेंगे नो सुनर देन, इसका यूज करना सीखेंगे नो सुनर देन। तो नंबर थर्ड आपका है, नंबर सेकंड आपने अभी जस्ट कंप्लीट किया है, नीदर नोर या फिर नाइदर नोर। अब बात करते हैं नो सुनर एंड देन, इसकी बात करते हैं नो सुनर एंड क्या बनी, हिंदी बनी लिखेगी इसकी जैसे ही वैसे ही, जैसे आप कई बार यूज करते हैं, जैसे ही स्कूल की घंटी बजी बच्चे कक्षा से वैसे ही बाहर निकल गए, ये होता है कई बार कि जैसे ही घंटी बजी वैसे ही बच्चे क्या हुए कक्षा से बाहर निकल गए। तो एग्जांपल बताएं आप कैसे बनेगा, नो सुनर, नो सुनर द बेल हैड रंग, रिंग की सेकेंड फॉर्म होती है रैंग, थर्ड फॉर्म होती है रंग, क्या होती है रंग, और हेड के बाद हम मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, कौन से टेंस में पढ़ा होगा आपने, ये पढ़ा है पास्ट परफेक्ट टेंस में, किसमें, पास्ट परफेक्ट। तो नो सुनर द बेल हैड रंग देन द स्टूडेंट्स came out from their classes, दोबारा सुने ध्यान से,
यहाँ पर पहले समझने की कोशिश करें, देन यू विल राइट डाउन। देखें बोलने के बाद इस सेंटेंस को यहाँ ध्यान दें सभी और इसे बोलने की प्रैक्टिस करें। बोलने के बाद नो सुनर, बोलने के बाद नो सुनर, द बेल हैड रंग, द बेल हैड रंग, देन द स्टूडेंट्स केम आउट फ्रॉम देयर क्लासेस। हिंदी में क्या निकलेगी यहाँ पर ध्यान दें, जैसे ही स्कूल की घंटी बजी देन वैसे ही बच्चे यानी विद्यार्थी कक्षा से उनकी कक्षा से बाहर आए। क्लियर है? तो केम यहाँ पर कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है यहाँ पर? सेकंड फॉर्म है। पर हेड यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और रंग यहाँ पर कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। क्या है? थर्ड फॉर्म है। तो आप बताएं मुझे पहले इसमें काम कौन सा हुआ, पहले घंटी बजने का काम हुआ या फिर बच्चों का कक्षा से बाहर निकलने का काम हुआ? थोड़ा दिमाग यूज करें, बताएं पहले काम कौन सा हुआ, पहले घंटी बजी। तो जो काम पहले हुआ है उसको हम रखते हैं परफेक्ट में। याद रखें कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो काम पहले हुआ है उसको हम रखते हैं परफेक्ट टेंस में। किसमें रखते हैं? परफेक्ट में। और जो बाद में हुआ उसको किसमें रखते हैं? सिंपल में। किसमें रखते हैं? सिंपल। तो घंटी पहले बजी इसलिए मैंने इसको किसमें रखा? हेड रंग। चाहता था मैं हेड को हटा के यहाँ पर रेन बोल देता, लेकिन क्यों नहीं बोला? क्योंकि मुझे पता है पहले काम कौन सा हुआ है। पहले यहाँ पर घंटी बजी है, उसी के बाद क्या हुआ? बच्चे कक्षा से बाहर आए। तो ये कई बार एग्जाम्स में होता है। क्या देखें एग्जाम में, एग्जामिनर कैसे देगा आपको सेंटेंस? नो सुनर द बेल, और यहाँ पर हेड रंग के प्लेस में क्या दे देगा? द बेल रेंग। क्या दे देगा? बेल रेंग। क्योंकि रेंग कहना यहाँ पर गलत है, क्योंकि सेकंड फॉर्म हम कौन से टेंस में आगे यूज करेंगे? देन के बाद यूज करेंगे। क्योंकि काम यहाँ पर बाद में कौन सा हुआ है? बच्चों का कक्षा से बाहर निकलने का काम बाद में हुआ है। पहले हमारा काम कौन सा हुआ है? घंटी बजने का। तो जो काम पहले हुआ उसको हम किसमें रखना पड़ेगा? परफेक्ट में। और यहाँ पर अगर हेड रंग यूज नहीं करके डायरेक्टली रेंग वर्ड यूज कर देते तो ये सेंटेंस क्या माना जाएगा आपका? गलत। तो याद रहेगा आपको जो काम पहले है उसको किसमें रखना है? परफेक्ट में। किसमें रखना है? परफेक्ट में। और जो काम बाद में हुआ उसको किसमें रखना है आपको? सिंपल में। तो जैसे ही घंटी बजी, जैसे ही घंटी बजी बच्चे या विद्यार्थी उनकी कक्षा से बाहर आए। क्लियर है? तो लिखिए इसे फास्ट, नो सुनो द बेल हैड रंग देन द स्टूडेंट्स केम आउट फ्रॉम देयर क्लासेस। इसको भी इसकी हिंदी लिखनी है, लेकिन जैसे ही घंटी बजी, जैसे ही घंटी बजी वैसे ही बच्चे याद होने के बाद क्यों हो रही है याद नहीं है सात जन नहीं हो रही दोस्तों। जैसे ही घंटी बजी वैसे ही बच्चे या विद्यार्थी उनकी कक्षाओं से बाहर आए। बच्चे या विद्यार्थी, विद्यार्थी कहना, द स्टूडेंट्स केम आउट फ्रॉम देयर क्लासेस, यानी विद्यार्थी उनकी कक्षाओं से क्या हुआ? बाहर आए। जैसे ही घंटी बजी विद्यार्थी उनकी कक्षाओं से बाहर आए। यहां तक बताएं, जैसे ही घंटी बजी विद्यार्थी उनकी कक्षाओं से बाहर आए, ये बात होगी हमारी नो सुनर। और याद रखें एग्जामिनर एक गलती और क्या दे सकता है? एक गलती दे सकता है कि नो सुनर के साथ जो आपको देन देगा उस देन के अंदर स्पेलिंग में वो क्या दे देगा आपको? टी एच ई एन बी दे सकता है, जो कि क्या है? गलत है। नो सुनर के साथ हमेशा क्या आता है? देन। वो स्पेलिंग क्या रहती है? टी एच ए एन। क्या रहती है स्पेलिंग आपकी? टी एच ए एन। क्लियर है? याद रहेगा आपको। अब बात कर लेते हैं आगे, नो सुनर के बाद क्या लिखा बताएं मुझे, ताकि आगे हम स्टार्ट करें। नंबर फोर, क्या है नंबर फोर? नॉट ओनली बट ऑल्सो बोथ एंड। क्या है हमारा? बोथ। और याद रखें बोध के साथ एंड आता है, और कई बार एग्जामिनर क्या करता है? बोध के साथ बिटवीन दे देता है। क्या देता है? बोध के साथ बिटवीन। और बोध के साथ हमेशा हम किसका यूज करेंगे? एंड का। किसका यूज करेंगे?
एंड का। जैसे एग्जांपल देखें, बोथ हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर एंजॉयिंग इन द पार्टी। ठीक है, बोथ यहां ध्यान से पहले क्या लिखा, बोथ हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अब एग्जामिनर गलती क्या देता है, ध्यान दें, वो एग्जामिनर गलती क्या देगा आपको, इस एंड की जगह पर क्या दे देगा, बिटवीन दे देगा। क्या दे देगा, कैसे, बोथ हिज फ्रेंड्स बिटवीन रिलेटिव्स आर एंजॉइंग इन द पार्टी। लेकिन बिटवीन वर्ड नहीं, आगे क्या वर्ड आएगा आपका, एंड। तो कोई पूछिए बोथ और एंड यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं सेंटेंस में, तो कंजंक्शन का, कैसे काम कर रहे हैं, कंजंक्शन। तो बोथ हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर एंजॉइंग इन द पार्टी, लिखे पास। रिटर्न क्या लिखा फॉर एग्जाम्पल, बोथ हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर एंजॉयिंग इन द पार्टी। क्या कर रहे हैं उसके फ्रेंड और उसके रिलेटिव, बोथ दोनों क्या कर रहे हैं वहां पर, एंजॉय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं कहां पर, पार्टी। तो बोथ के साथ क्या आता है हमारा, एंड। क्या यूज करते हैं बोथ के साथ, हम एंड यूज करते हैं। अब इसी के आगे हम यूज करेंगे नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। कौन सा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। मैं आपको इतना सब सिखाना चाह रहा हूँ कि जो आप सब यूज कर रहे हैं, वर्ड्स यूज कर रहे हैं, बोथ और एंड, ये हमारा क्या है, कंजंक्शन है। क्या है हमारा, कंजंक्शन। और यूज कैसे करते हैं, मैंने समझा दिया, बोथ के साथ ऐसा क्या आता है, एंड। क्या आता है बोथ के साथ, एंड। अब नंबर कौन सा है, नंबर फिफ्थ, कौन सा हमारा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्या हमारा, नॉट ओनली बट ऑल्सो।
बताया इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा, नॉट ओनली, ना सिर्फ, क्या मतलब निकलेगा? लेकिन जैसे आप कई बार बोलते हैं ना कि वह ना सिर्फ होशियार है लेकिन ईमानदार भी, बोलते हैं कई बार वह ना सिर्फ होशियार है लेकिन ईमानदार भी, क्लियर है? तो इस एग्जांपल को आप कैसे बनाएंगे, देखें यहां पर, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो Honest. क्या एग्जाम्पल, ध्यान दे यहाँ पर क्या बोलोगे इसे, एक बार बोलने की कोशिश करें, है ना, रिपीट बोले एक बार, he is not only intelligent but also honest. अब अगर आपके पास अगर ये not only but also नहीं होता ना तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोलते? अब इस बात पर ध्यान दें, हम कन्विंसिंग को क्यों सीख रहे हैं, क्यों जरूरी है हमारे लिए, इसके ऊपर भी थोड़ा कंसर्न करें, इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि अगर आपके पास नॉट ओनली बट ऑल्सो नहीं होता तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं कि ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट. वह क्या है? होशियार तो है, होशियार है और ईमानदार है. तो ये थोड़ा सा सेंटेंस आपको क्या लगता है, थोड़ा सा सिंपल सेंटेंस लगता है लेकिन इसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए अब इसको क्या ऐड कर दिया यहाँ पर, नॉट ओनली बट ऑल्सो. सेंटेंस क्या बन गया आपका, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ऑनेस्ट. उसी तरीके से आप और एग्जाम्पल बना सकते हैं, ही इज नॉट ओनली क्लेवर, ही इज नॉट ओनली क्लेवर बट ऑल्सो ब्रेव. वो ना सिर्फ चालाक है लेकिन बहादुर भी है. क्लियर है? तो ऐसे आप एग्जाम्पल बना सकते हो नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो से, लिखे पास ऐसे, वह ना सिर्फ होशियार है लेकिन ईमानदार भी है. राइट डाउन फर्स्ट, ना सिर्फ होशियार है लेकिन ईमानदार भी है. ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो क्लेवर. नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट एग्जाम्पल, बताए नेक्स्ट आपका क्या था, नंबर सिक्स, बोले जल्दी फास्ट. नंबर सिक्स क्या था आपका, क्या था आपका, एल्डो के साथ क्या था आपका, यट. एल्डो, एल्डो के साथ यट था और एल्डो का मतलब क्या होता है, हालांकि या फिर यद्यपि. क्या मतलब होता है, हालांकि या फिर यद्यपि. देखिए कैसे यूज करो जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखें, एल्डो ही इज माई फ्रेंड यट ही इज माइजर. वॉट इज द मीनिंग ऑफ माइजर, माइजर का मतलब क्या होता है, कंजूस. क्या मतलब होता है, कंजूस. तो माइजर यहां पर क्या है, एसेटिव है, आप इसकी विशेषता बता रहे हो कि वो क्या है, कंजूस है. तो यहां पर एग्जाम्पल पर ध्यान दें, लिखे नहीं आप क्या काम कर रहे हो, पहले यहां पर समझने पर ध्यान दें, बस लिखने में लगे रहते हो, पहले समझ लो देन आई विल गिव यू टाइम. देखे यहां ध्यान दें, एल्डो ही इज माई फ्रेंड, हालांकि वह मेरा मित्र है. क्या बोला मैंने, हालांकि वह मेरा मित्र है फिर भी वह क्या है, कंजूस है. क्लियर, क्या बोलो एक बार, बोले सेंटेंस रिपीट करें, बोले एक बार, एल्डो ही इज माई फ्रेंड यट ही इज माइजर. बोले दोबारा, बोले इसे रिपीट करें, एल्डो ही इज माई फ्रेंड यट ही इज माइजर. हालांकि वह मेरा दोस्त है फिर भी कंजूस. लिखे पास इसे यद्यपि भी बोलते हैं हिंदी में, यहां पर हालांकि भी बोलते हैं, यू हैव टू रिमेम्बर. Although he is my friend, yet he is my sir. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeah. Yes. क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल आपके सामने है, रिपीट करें इसे, क्या लिखा हुआ आपके सामने, रिपीट एक साथ रिपीट करें, रिपीट अगेन, क्या बोलोगे इसे, एल्डो ही इज माई फ्रेंड यट ही इज माई सर.
हिंदी में क्या निकलेगा इसका? हालांकि या फिर यद्यपि वह मेरा दोस्त है फिर भी क्या है? तो यहाँ तक आपका ये कोरिलेटिव कंजंक्शन था जो कि हमने अभी कंप्लीट किया है. क्लियर है? सो व्हाट इज द मीन ऑफ कंजंक्शन? कंजंक्शन क्या होता है? हमारे जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं. क्या होते हैं? रिपीट. मैं आप दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ. लिसन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली. ध्यान दे थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. बोलते रहे मेरे साथ साथ ताकि आपका माइंड और आपकी बॉडी यही पे प्रेजेंट रहे ना. क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपके अंदर क्या नहीं होगा? इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला. रीजन बिहाइंड इट, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग. रीजन क्या रहता है? जब तक हम बोलेंगे नहीं ना तब तक हमारा इम्प्रूवमेंट होने वाला नहीं है. तो बोले मेरे साथ एक बार वापस. कंजंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ कंजंक्शन? जॉइनिंग वर्ड्स. क्या होता है? जॉइनिंग वर्ड्स. और इसको हम एक और डेफिनेशन किसे जानते हैं? क्या बनती है डेफिनेशन? इट जॉइंस टू वर्ड्स एंड टू सेंटेंसेस. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शन? थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शन? थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सेकंड वन इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. थर्ड वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शन. क्या होता है आपका? कोरिलेटिव कंजंक्शन. सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं आपके? फेन बॉयज. कौन सा होता है? फेन बॉयज. सबऑर्डिनेटिंग कौन सा होता है? है ना? क्या होता है आपका? सो देट. मतलब क्या होता है? ताकि. वॉट एवर मीन्स जो कुछ भी. वेन एवर मतलब जब कभी भी. हाउएवर मतलब कैसे भी. तो ये हमारे क्या होते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. और इनके बाद हमने स्टार्ट किया नंबर थर्ड टॉपिक. क्या हमारा? को रिलेटिव कंजंक्शन. क्या होता है हमारा? को रिलेटिव कंजंक्शन. क्या होता है को रिलेटिव कंजंक्शन? जो पेयर में होता है. किसमें होता है? पेयर में. कैसे? इधर के साथ हमेशा क्या आता है? और. नीदर के साथ क्या आता है? नॉट. और आपका नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो. क्लियर है? एल्दो के साथ क्या यूज करता है? यट. नो सुनर के साथ क्या यूज करता है? देन. इनके पेयर याद रखें. एग्जाम में क्या गलतियां देते हैं? इनके पेयर को चेंज कर देते हैं. है ना? जैसे एल्दो के साथ स्टिल दे देगा या फिर नो सुनर के साथ एन की स्पेलिंग में क्या कर देगा? टी एच ई एन कर देगा. और हमें पता नो सुनर के साथ क्या आना चाहिए? टी एच ए एन. यानी नो सुनर के साथ क्या आना चाहिए? दे. क्लियर है? और ये भी जस्ट आपने पढ़ा एल्दो के साथ यट का मतलब यद्यपि या फिर हालांकि दोनों तरीके से यूज कर सकते हो. और येट का मतलब क्या होता है? फिर भी. क्या मतलब होता है? फिर भी. ओके. सो यू हैव टू रिमेम्बर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और इस चीज को रिपीट करें और दोबारा पढ़ें. और अभी अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको समझ नहीं आता है, तो आपके पास 5 मिनट्स है. यू हैव टू रिवाइज. एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी अगेन. आई विल गिव यू रिप्लाई. ओके. पढ़े इसे दोबारा और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो पूछे. एंड टुमारो वी विल स्टार्ट योर नेक्स्ट टॉपिक इंटरजेक्शन. क्या स्टार्ट करेंगे? इंटरजेक्शन.